Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. As you all know, practice is the best way to improve your preparation level for any kind of examinations. So if you are preparing for kvs pt Biotechnology, Biology, or any other examinations like the CSIR Life Science or ICMR, so this video is just for you because in this video I am going to discuss some important questions from different competitive examinations and one thing more if you are preparing for kbsbt biotechnology and want to uh, searching for online classes so

the enzyme amylase can break down glycosidic linkage between the glucose monomers only if the monomers are the alpha form which of the following could amylase break down आपसे यहाँ पे सवाल दिया गया कि amylase एक एंजाइम है जो कि ऐसे ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकता है जहां पे ग्लूकोज जो होता है वो बेसिकली अल्फा फॉर्म में क्या है प्रेजेंट है तो पहले तो आपको यहाँ पे ये यह पता होना चाहिए कि जो अल्फा और बीटा फॉर्म होता है वो क्या है ग्लूकोज का उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रीफ में देख लीजिए होपफुली आप ये जानते भी होंगे तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है साइक्लिक फॉर्म का तो ये वाला जो आपका कार्बन होता है इसको आप क्या बोलते हैं फर्स्ट कार्बन और इसी कार्बन को आप क्या बोलते हैं दैट इज द एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं तो एनोमेरिक कार्बन का मतलब होता है फर्स्ट कार्बन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट तो इसी कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल और एच का जो ओरिएंटेशन होता है उसके बेसिस पे ये आपका अल्फा और बीटा आपस में एनोमर्स क्या है बनाते हैं अगर किसी कार्बन के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन जो है वो नीचे की तरफ है डाउन टाइप में है तो वो क्या कहलाएगा अल्फा और अगर यही आपका कहाँ पे चला जाए दैट मीनस यहाँ पे चला जाए तो वो क्या कहलाएगा बीटा तो इसको आप बोलते हैं अल्फा बीटा एनोमर्स ये आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं एनोमेरिक फॉर्म बनाते हैं तो आपसे पूछ रहा है कि जितने भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसको ये अमाइनेज क्या करेगा ब्रेक डाउन कर पाएगा एक आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और दे देते हैं पॉलिसेकरइड जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं दैट इज द स्ट्रक्चरल पॉलिसेकरइड मींस जो कि स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं कि कोई कंपोनेंट बनाते हैं स्ट्रक्चरल पॉलिसेकराइड और दूसरा आपका आता है दैट इज द स्टोरेज पॉलिसिकाइड राइट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो कि रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में काम करते हैं जैसे अगर एग्जांपल की बात अगर हम लोग करें तो स्ट्रक्चरल में क्या क्या आपका आ सकता है जैसे आ, सेलोज है जो कि प्लांट सेल में क्या करता है काम आता है और अगर हम लोग काइटिन की बात करें जो कि मोस्ट ऑफ दी आर्थोपोर्स और रस, फंगाई का क्या होता है सेलवॉल होता है या फिर अगर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बात करें तो भी ये क्या है आपका बैक्टीरिया uh, का सेवॉल का कंपोजिशन होता है तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स के मतलब ये इस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं सो so, जितने भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनका कॉन्फिग्रेशन कैसा होता है दैट इज द बीटा फॉर्म कैसा होता है बीटा जबकि जितने स्ट्रक्चरल होते हैं स्टोरेज uh, होते हैं लाइक एज अ ग्लाइकोजन अगर एनिमल की बात करें तो ग्लाइकोजन हो जाएगा प्लांट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा तो इस तरीके से ये सब क्या है आपके स्टोरेज पॉलिसेक्राइट की कैटेगरी में आते हैं तो स्टोरेज हमेशा किससे होते हैं अल्फा कॉन्फिग्रेशन में कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनके लिंकेज अल्फा भी हो सकती है अल्फा वन सिक्स भी हो सकती है अल्फा वन वन के नाम से भी हो सकता है राइट right? तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग होते हैं तो स्ट्रक्चरल पॉलिसेक्राइट का एग्जाम्पल आपने देखा दैट इज सेलोरोनोग्लाइकॉन इनमें कॉन्फिग्रेशन कैसा होगा अल्फा कॉन्फिग्रेशन जबकि स्टोरेज वाले जो होंगे उनमें क्या होगा दैट इज द सॉरी बीटा कॉन्फ़िगरेशन और स्टोरेज वाले में क्या होगा अल्फा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख रखा है तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो एंजाइम है वो सिर्फ अल्फा फॉर्म को क्या करेगा डाइजेस्ट करेगा ब्रेक करेगा आपको पता यही पे करना कौन से पॉलिसेक्राइड ऐसे हैं जिनके पास अल्फा कॉन्फिग्रेशन प्रेजेंट है तो देखिए सरलोज किसमें आता है आपका ये स्ट्रक्चरल में आता है यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया तो इसमें क्या होगा बीटा होगा इसका मतलब ये इसको नहीं कर पाएगा यहाँ पे भी सरलोज है यहाँ पे भी काइटीन है ये भी नहीं कर पाएगा यहाँ पे भी क्या है काइटीन है स्टार्स तो है आपका नो डाउट स्टोरेज वाला लेकिन ये क्या है स्ट्रक्चरल है इसको भी नहीं कर पाएगा स्टार्च है, है और सेलोलोज यहाँ पे दे रखा है आप देखिए एनिमल सेल्स क्या है स्टार्च जो कि जो कि प्लांट के बॉडी में पाया जाने वाला मटेरियल होता है अमाइलोपैक्टीन जो कि स्टार्च का ही कंपोनेंट होता है जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्च दो पार्ट से मिलकर के बना होता है दैट इज अमाइलोज से और अमाइलोपैक्टीन से तो इस हिसाब से आपका पहला वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा सही हो जाएगा कि ये वाला जो एंजाइम होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजन को ब्रेक कर सकता है स्टार्स को ब्रेक कर सकता है और हमारे लोग पैकिंग को कर सकता है बाकी आपके जो रिमेनिंग चार ऑप्शन है वो गलत है तो आपको सवाल को जो सॉल्व करना है उसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए तो ये आपको मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया कि आपका अल्फा और बीटा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है साथ साथ आपने ये भी जाना कि स्ट्रक्चरल और, का क्या है और में जो कार्बोहाइड्रेट के होते हो, कौन से में होते, बीटा जबकि स्टोरेज वाले में कैसा होगा अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो फर्दर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो आपको ये वाले सवाल में डाउट अब नहीं होना चाहिए

आपका स्टोरेज पॉलिसेक्राइड्स क्या होता है इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपसे बता दिया सो so, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है ये द स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ अ प्रोटीन लिस्ट अफेक्टेड बाय डिसरप्शन इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसको अगर आप जिसमें अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसरप्ट करते हैं तो सबसे कम क्या होगी वो अफेक्टेड होगी सबसे कम लिस्ट

बॉन्ड होगा दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड जिसका नेचर कैसा होता है कोवाल इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी जब वहां पे और थोड़ी सी सुपर या सुपर कन्फॉर्मेशन हो जाती है उसे सेकेंडरी बोलते हैं जिसमें आपका क्या होता है कोवर्न के साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मेजर रोल प्ले क्या करता है इंपॉर्टेंट प्ले करता है फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है ट्रसरी स्ट्रक्चर में और भी कई सारे बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं लाइक एज हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक आइनिक इंट्रक्शन डाइसल्फाइड बॉन्ड इेक्ट्रोसिक इंट्रक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड ये सभी क्या होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं सिमिलरली वही सारे बॉन्ड आपके क्या होंगे क्वार स्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व होते हैं तो ये तीनों स्ट्रक्चर में क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है तो अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगे होंगे वो क्या अफेक्टेड हो जाएंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल नहीं होता है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि आप हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर आप ब्रेक भी करेंगे तो उससे प्राइमरी स्ट्रक्चर पर को को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो आपको ऑप्शन क्या जाएगा दैट इज द प्राइमरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तो लिस्ट अफेक्टेड का मतलब जो सबसे कम प्रभावित हो ओके okay, तो आपने यहाँ पे देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट है और उसमें कौन सा बॉन्ड होता है तो आंसर आप क्या हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रसरी के लिए अगर आपसे पूछता है तो वहां पे आपको दो आंसर मिलते हैं नॉन कोवेलेंट में अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे दैट इज हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन और अगर कोवलेंट पूछेगा तो क्या बताएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप इस

आपसे आप पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन से पेयर ऐसे हैं जो कि डीएनए के सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो कि नॉर्मल एक डबल हेलिक्स डीएनए का क्या कर सकते हैं फॉर्मेशन कर सकते हैं तो आपको जैसा कि पता है कि डबल हेलिक्स का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो ये सबसे पहली चीज तो इन दोनों स्टैंड की जो ओरिएंटेशन होती है वो एक दूसरे के क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री मीनस इनवर्स होती है अगर एक स्टैंड आपका फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा दैट इज थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम हो जाएगा और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बेसिस जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं मतलब ए से क्या करेगा टी बनाएगा टी और जी से क्या करेगा सी बनाएगा तो यही आपसे पूछ रहा है कि आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है

अब तो से देखिए अगर एक आपका क्या होगा ये प्यूरिन होगा तो दूसरा वाला क्या होगा आपका पारिमिडीन होगा तो यहां से आपको देखिए आपका ठीक दे रखा है तो क्या प्यूरिन से प्युरीन mm. नहीं तो ये क्या हो जाएगा क्या करेगा पारिमिडिन करेगा और पारिमिडिन से जब भी बाइंड करेगा तो प्यूरिन करेगा जबकि यहाँ पे सेम पेयर दे रखा है तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दूसरा आपको दे रखा है ए तो अगर आप इस वाले सीक्वेंस को जो कि फाइव प्राइम में दे रखा है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज ए है फिर इसके बाद जी है फिर सी है फिर टी है तो ये अगर इसका फाइव प्राइम है तो इसका थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम क्या बनेगा ये इसका थ्री प्राइम हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा टी बनेगा यहाँ पे आपका सी बनेगा यहाँ पे आपका जी बनेगा और तो यहाँ पे क्या बनेगा ए बनेगा ये इसका क्या रीडिंग हो जाएगा फाइव प्राइम तो आपको फाइव प्राइम के ओरिएंटेशन में दे रखा है फाइव प्राइम पे क्या दे रखा है टी दे रखा है तो यहाँ पे टी नहीं है इसका मतलब है क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा राइट तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग पे जो ट्रिक है वो क्या रहना चाहिए कि जो फाइव प्राइम है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे क्या होना चाहिए थ्री प्राइम पे होना चाहिए

जी दे रखा है जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा सी हो जाएगा और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी हो जाएगा तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा सही होगा मतलब ये वाले जो डीएनए के स्ट्रेचेस हैं वो क्या करेंगे डबल हेलिक्स बॉन्ड बना सकते हैं लाइक like दैट इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो जैसे जब कभी भी इस तरीके का डीएनए का आपको न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दे करके इस तरीके के सवाल अगर आप पूछे तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे यही कि जो फाइव एक स्टैंड जो होती है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम होती है दूसरी स्टैंड जो होगी वो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम होती है राइट और उनका एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है मतलब ए जो होगा वो टी से बाइंड करेगा जी जो होगा वो सी से बाइंड करेगा

इस लिंकेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस चैनल पे जो वीडियोस अपलोडेड है एसिड के नाम से आप उसको देख सकते हैं वहां पर आपको किस तरीके से लिंकोडेड का फॉर्मेशन होगा कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं ये सारी बातें आपको वहाँ पे बताई गई है तो आप उस वीडियो को देख करके भी अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं

Okay, the volume enclosed, the volume enclosed by the plasma membrane of a plant cells is often uh, much larger than the corresponding volume in animal cells. The most reasonable explanation for this observation is that. आपसे पूछ रहा है कि जो uh, plant cells होता है, उनका plant cells का volume बहुत ज़्यादा होता है, like that, और जबकि animal cells का जो size होती है, वो क्या होती है? छोटी होती है, means volume उनका कम होता है। इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है यही आपसे जानना चाह रहा है द प्लांट सेल्स आर कैपेबल ऑफ हैविंग अ मच हाइय सर्फेस टू वॉल्यूम रेशियो देन द एनिमल सेल्स क्या ये स्टेटमेंट सही है प्लांट सेल्स हैव मच मोर हाईली कॉन्वलेटेड फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन एनिमल सेल्स क्या ये स्टेटमेंट सही है Plant cells contain a large vacuole the uh, that reduces the volume of the cytoplasm. Is this statement correct? animal cells are more spherical while plant cells are elongated. Is this statement sahi hai? The basic function of plant cells are very different. फ्रॉम दो एनिमल सेल्स यहाँ पे ध्यान होगा कि जब हम प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो प्लांट सेल्स में आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बड़ा सा लार्ज वैक्यूल होता है राइट right? जबकि तो होते हैं या तो क्या होंगे एबसेंट होते हैं तो ये लार्ज वैक्यूल वाला जो ऑप्शन है की की वजह से जो वॉल्यूम होता है आपके इस प्लांट सेल्स का साइटो प्लाज्म का वो क्या होता है मीन मेमब्रेन का जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है

मेन बनाने वाले काम क्या होंगे क्या एसेस जो कि लिपिड को बनाते हैं या जो स्टार्च को बनाते हैं या जो प्रोटीन्स को बनाते हैं या स्टेरॉइड्स को बनाते हैं या ग्लूकोज को बनाते हैं तो जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं जहां पे बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस होती है आपने ट्रांसलेशन पढ़ रखा है कि के प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स राइबोसोम से ही कंबाइंड होकर के मिल करके क्या बनाते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं तो उस हिसाब से वो सारी सेल्स जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस कर रही होंगी वहां पे आपका जो नंबर ऑफ आरबीसी हो मतलब राइबोसोम्स होंगे वो ज्यादा होंगे तो ऐसे एसर जो कि प्रोटीन को बनाते होंगे वहां पे राइबोसोम्स का प्रोडक्शन क्या होगा ज्यादा होगा ओके सो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा, next पूछ रहा है कि टाइप ऑफ ऑफ इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑयल फॉस्फोलिपिड एंड ओके तो जैसा कि आपको पता है कि इंडो रेटिकुलम को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ई ER आर को एक तो आपका होता है आर ई आर जिससे आप रफ इंडोप्लाजिम रेटिकुलम से नाम से जानते हैं और एक क्या होता है आपका स्मूथ ई आर दैट मीनस SER के नाम से तो स्मूथ रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड के मेटाबोलिज्म में या लिपिड के सिंथेसिस में क्या करता है इन्वॉल्व होता है जबकि ये क्या होता है आपका प्रोटीन के सिंथेसिस में रहता है। तो लिपिड का जहां पे भी होगा सो हो so, आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो सवाल आए वो उनका क्या लॉजिक होता है क्या आपसे वो जानना चाहते हैं और किस तरीके से आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर रखें और सवाल को अच्छे तरीके से रीड आउट करें जल्दबाजी न करें एग्जाम से ताकि आपके जो क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो ज्यादा रहे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड आई गेन सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो सो प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो